हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से फिनिक्स अकेडमी में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 13 नवंबर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिए, अपने दोस्तों में क्या करिए, इसको शेयर भी करिए, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, हमने जो आपको जो हमारा अभी दो रोज से मतलब कल मिस हुआ, मंडे को पढ़ा था तो थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपको नहीं मिल पाई, तो कोई दिक्कत नहीं, अब आपकी रेगुलर रहेंगी करंट की क्लासेस। आपको बता दें, जो हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था होमवर्क, तो होमवर्क हमने जो डिस्कस किया था तो होमवर्क हमारा क्या था, जिसमें हमने नेशनल पार्क आपको दिए थे, ठीक है ना। तो उन नेशनल पार्क के बारे में हम देखते हैं कि एक बार देख लेते हैं जो नेशनल पार्क दिया, जैसा स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे आपके सारे नेशनल पार्क है और उसके साइड में आपके क्या आंसर्स दिखे हुए हैं। चलो हम पढ़ भी देते हैं, पढ़ के देख लेते हैं। ब्लैक बक मरीन वंशदा ये आपके गुजरात में पाए जाते हैं। ये नेशनल पार्क कहाँ पे पाए जाते हैं, गुजरात राज्य में पाए जाते हैं, जहाँ की राजधानी का नाम क्या है, गांधीनगर, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री आपको बताना है, और वहाँ के अभी हाल ही में गवर्नर बदलने, ये सब आपको बताना है, ठीक है ना। इतना तो यार बेसिकली काम आप कर ही सकते हो। उसके बाद कालेश्वर और सुल्तानपुर ये हरियाणा राज्य में पड़ते हैं, हरियाणा राज्य में अभी आपको पता विधानसभा चुनाव हुए तो ये हरियाणा राज्य में पड़ते हैं। दूसरा इंद्रकला सिंबलवारा खीरगंगा, एक लाइन में ऐसे पढ़ लो, इंद्रकला सिंबलवारा खीरगंगा ये हिमाचल प्रदेश में पढ़ते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों आज के हम अपने क्वेश्चंस पे, जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस थोड़े से हो सकता है दो चार ज़्यादा हो जाए, तो आपको ध्यान रखना कि शुरू से आखिरी तक, और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनको ध्यान में रख करके उनके बारे में हम पिछले न्यूज़ से भी लिंक करेंगे उन क्वेश्चंस को, तो उन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के उसको पढ़ना भी, ठीक है। चलो अभी अच्छा कल की न्यूज़ बता दूँ, कल आपका 12 नवंबर था, कल आपको क्या था, 12 नवंबर था, और 12 नवंबर की न्यूज क्या थी, क्या मनाया जाता है, पक्षी दिवस, क्या मनाया गया, पक्षी दिवस। और ये पक्षी दिवस जो मनाया गया है ये किसके जन्मदिवस पे मनाया जाता है, तो आपको मालूम है पक्षी दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सलीम अली। पक्षी वैज्ञानिक है डॉक्टर सलीम अली की याद में, मतलब कि इनके जन्मदिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है, और जिनका जन्म हुआ था 12 नवंबर, जिनका जन्म क्या हुआ था, 12 नवंबर 1896 को हुआ था, 1896 को पक्षी दिवस मनाया था, इनका जन्म 12 नवंबर इसी दिन से क्या मनाया था, डॉक्टर सलीम अली ये पक्षी वैज्ञानिक है, इन्हीं की याद में पक्षी दिवस मनाया जाता है। आपको पता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है, मालूम है आपको कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। तो एक चीज और यहां से समझ लेना, जो राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है, राष्ट्रीय पक्षी कौन, मोर, इस मोर को भारत के संविधान में, इस मोर को भारत के संविधान में किस तारीख से भारत के राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया था, इस मोर को, तो याद रखना दोस्तों 26 जनवरी 1963 से इस पक्षी को क्या दिया गया, राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया, भारत के राष्ट्रीय पक्षी को भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अब हमारा इसी से फिर एक क्वेश्चन हम आपको बता दें, ये आपको होमवर्क पे जब विशेष करके ध्यान में देना है कि दो चीज पढ़ती हैं, एक सलीम अली, एक पढ़ता है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, और एक पढ़ता है, दूसरा है सलीम अली वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों ये आपको बताना है, ये कुछ दो राज्यों में पड़ता है, एक सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और एक आपका सलीम अली वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोस्तों किन राज्यों में पड़ते हैं, दो अलग अलग राज्यों में पड़ते हैं दोस्तों। तो ये आपके क्वेश्चंस में दो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान अलग राज्य में है और वन्यजीव अभ्यारण्य अलग राज्य में, हमने जितनी चर्चा थी हमने इस क्वेश्चन में कर ली, ठीक है ना, ये कल की न्यूज पे थी। चलो आज के जो सेशन पे हम चलते हैं, जो आज का सेशन, जो हमारे क्वेश्चंस हैं उस पे हम चर्चा कर लेते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे कि पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है किसको 2019 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया, 2019 का व्यास सम्मान। अभी कुछ ही समय पहले में दोस्तों आपने देखा होगा कि जो 2018 का व्यास सम्मान है उससे नॉमिनेट किया गया, इस बार 2019 का भी क्या कर दिया गया है, नॉमिनेशन दे दिया गया 2019 के व्यास सम्मान से। आप सबने देखो दिख रहा होगा नासिरा शर्मा, आंसर में क्या दिखा, नासिरा शर्मा को दिया गया है, और नासिरा शर्मा को ये किस उपन्यास के लिए दिया गया है, तो कागज की नाव। इस उपन्यास के लिए इनको क्या दिया गया है, इस उपन्यास के लिए इनको 2019 यानी कि 2019 का
29th व्यास सम्मान दिया गया है, 29th नंबर का व्यास सम्मान दिया गया। अभी दोस्तों 2018 में 28वां व्यास सम्मान जो दिया गया है वो दिया गया है लीलाधर जगूड़ी को। वो किसको दिया गया है? लीलाधर जगूड़ी को। लीलाधर जगूड़ी को जितने लोग उतने प्रेम के लिए, किसके लिए? जितने लोग उतने प्रेम के लिए दिया गया है, उतने प्रेम, ये आपको मालूम है। और 2018 में ही हम आपको बता दें 28वां सरस्वती सम्मान दिया गया है किसको? के शिवा रेड्डी को। 28वां सरस्वती अवार्ड जो दिया गया, सम्मान दिया गया, ये के शिवा रेड्डी को दिया गया है किसके लिए? पक्काकी अट्टी गिलाइट के लिए, पक्काकी अट्टी गिलाइट के लिए। और 2018 में दोस्तों आपको बता दूं 54वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है अमिताभ घोष को, और उनको अंग्रेजी भाषा में पहला ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने वाला कौन है? अमिताभ घोष है। ठीक है ना दोस्तों, तो सारे क्वेश्चंस के ये सारे डाउट याद रखना, 28वां लीलाधर जगूड़ी थे और 29वां नासिरा शर्मा थे। ठीक है ना, कागज की नाव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको पाकिस्तान के लिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया, मतलब ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ऑप्शन देखो लिख रहा है कि माहिरा खान को। किसको दिया नियुक्त किया गया? माहिरा खान। ये तो हो गया पाकिस्तान यूएनएचआरसी। अब मालूम है जो हमारे पास मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है, वो आपको मालूम है कौन है? एचएल दत्तू है, जो कि भारत के 42वें नंबर के सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको मालूम है वर्तमान में अभी कौन है? रंजन गोगोई जो 46वें हैं, और जो एसके बोबड़े बनेंगे ये 47वें नंबर के, 18 नवंबर से ये क्या लेंगे? अपना चार्ज स्वीकार कर लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप, दोस्तों विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2019, इसका जो आयोजन हुआ है वो दोस्तों दुबई में हुआ है। अब आंसर में दिख रहा होगा दुबई यूएई में आयोजन हुआ। अब देखो यहां पे दो न्यूज और हम देखेंगे, तो यहां पे दो न्यूज क्या है? एक स्वर्ण पदक किसी ने भारतीय ने जीता हुआ है, एक किसी ने रजत पदक जीता हुआ है। ठीक है ना, एक स्वर्ण पदक दोस्तों जीता हुआ है, रजत पदक सिल्वर मेडल ने किसी ने जीता है, तो स्वर्ण पदक जो जीता हुआ है संदीप चौधरी इन्होंने क्या दिखा है? स्वर्ण पदक जीता है। और रजत पदक दोस्तों सुमित ने क्या जीता है? रजत पदक जीता है दोस्तों। ठीक है ना, तो विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में ही स्वर्ण पदक जीता है संदीप चौधरी ने, और रजत पदक जीता हुआ है सुमित ने, जो कि कहां? यूएई दुबई में हुई है। ठीक है ना, यूएई की राजधानी अबू धाबी, और दिरहम यहां की क्या चलती है? करेंसी चलती है। अभी लास्ट में हमने कहा था इनको यहां पे क्या दिया गया? ऑर्डर ऑफ द जायद फर्स्ट और ऑर्डर ऑफ द जायद सेकंड अवार्ड दिया गया था। ये आपको बताना किसको दिया गया था? नरेंद्र मोदी को फर्स्ट दिया गया, सेकंड किसको दिया गया ये बताना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 25th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, देखो 25th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसका जो आयोजन हुआ है ये किस राज्य में हुआ? तो दोस्तों ये 25th इंपॉर्टेंट, हमारे मतलब की चीज 25th मिल गई। कहां पे हुआ? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल, आपको पता है कोलकाता में है तो पश्चिम बंगाल में हुई है। अब ये हमारे मतलब की चीज दूसरी, तीसरी हमारे मतलब की क्या चीज है कि इसकी जो शुरुआत हुई किस फिल्म से स्क्रीनिंग की गई, इस फिल्म में कौन सी इस फिल्म से स्क्रीनिंग की गई? तो दोस्तों उस फिल्म का नाम है गुप्पी गायन वाघा वायन। उस फिल्म स्क्रीनिंग जो है गुप्पी गायन और वाघा वायन, ये हमारे मतलब की इससे मिल गई। गुप्पी गायन वाघा वायन, जिसके जो डायरेक्टर की बात कर ले तो सत्यजीत रे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारी चीजें ये इंपॉर्टेंट है, सत्यजीत रे। और अच्छा एक और हमारे मतलब की चीज क्या है कि जो इसकी शुरुआत जो की गई किसके द्वारा की गई, जो शुरुआत हुई है वो शाहरुख खान के द्वारा हुई। किसके द्वारा दोस्तों? शाहरुख खान के द्वारा। इस शाहरुख खान ने कहां पे? सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम कोलकाता। कहां पे है दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में इन्होंने किया है। कहां पे किया है? इंडोर स्टेडियम में। ठीक है ना, तो ये सारे न्यूज हमने आपको बता दिया। इन सभी न्यूज को सारे हमारे इंपॉर्टेंट है। 25th रहा है KIFF का जो आपका रहा, 25th नंबर का रहा, कहां रहा? पश्चिम बंगाल में रहा। किस फिल्म से स्क्रीनिंग की गई? गोपी गायन वाघा वायन। और इसका जो शुरुआत जो कि शाहरुख खान के द्वारा किया गया, और कहां पे? सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में किया, कोलकाता में। दोस्तों क्लियर होगी सारी चीजें आपकी न्यूज पे। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
किसने कोर्ट्स ऑफ इंडिया किताब का असमी भाषा संस्करण किया? दोस्तों कोर्ट्स ऑफ इंडिया एक बुक का असमी भाषा में जो इन्होंने क्या किया है संस्करण किया, तो आपको मालूम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में जो 46वें नंबर के हैं रंजन गोगोई साहब, ये 18 नवंबर को, आपको पहले न्यूज में बता दिया 17 नवंबर को ये अपना चार्ज 65 ईयर के हो जाएंगे, इसलिए इनका चार्ज क्या हो जाएगा रिक्त होकर के अब एस के बोबड़े साहब आ जाएंगे। तो दोस्तों अभी अयोध्या प्रकरण हुआ था, अयोध्या प्रकरण में 5 जस्टिस थे, दोस्तों 5 जस्टिस ने इसका फैसला सुनाया अयोध्या प्रकरण विवाद का। तो इस अयोध्या प्रकरण विवाद में बताना 5 जो जस्टिस थे उनके नाम बता देना जाके, ठीक है ना, 5 जस्टिस के नाम आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरह की न्यूज को आपको जब भी आपको मिले तो इन सभी चीजों को क्या घुमा करके एक जगह पे ला करके आप अपनी तैयारी को क्या बेहतर बना सकते हैं, इंप्रूव बना सकते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संस्कृत भारती विश्व सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? संस्कृत भारती विश्व सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? तो दोस्तों एक लाइन में आपको दिख रहा होगा न्यू दिल्ली में हुआ। अब यहां से हमारे मतलब का तो इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन और यहां से अपने मतलब अपने जो मतलब की चीजें निकालते हैं, जो इसके अलावा एक और मतलब की चीज निकलेगी कि ये किस मंत्रालय के द्वारा इसको किया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के द्वारा दिल्ली में संस्कृत भारती विश्व सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अब आपका क्वेश्चन क्या है, आपको क्या करना है? हम देखो यार सभी चीजें आपको बताएंगे, सारी चीजों को मैं लिंक करके आपको बता दूंगा, लेकिन आपको बेहतर क्योंकि चलना आपको है, करना आपको हमको नहीं, हम आपको सब चीजें बता दें तो मतलब क्या होता है, रोज रोज मैं वही चीजें बताऊं। आपको भी कुछ रिफर डाल के इसको बताना है कि संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय किसके पास है, ये कमेंट बॉक्स पे जाकर के आपको सभी चीजों को, अभी हमने क्या कहा आपको अयोध्या प्रकरण मामले के सारे जस्टिस बताने हैं, उसके बाद इसके लिए संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय किसके पास है, ये दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 776 करोड़ के 2G एथेनॉल संयंत्र को, 776 करोड़ के 2G एथेनॉल संयंत्र को स्थापित करने की मंजूरी किस मंत्रालय ने दी? देखो इसी तरह से क्वेश्चन ब्रेक होता है, अब यहां पे मंत्रालय देखो क्वेश्चन में पूछा है, तो कहोगे सबसे हमारे मतलब कीजिए 776 करोड़, लागत कितनी है 776 करोड़, क्या है ये 2G एथेनॉल संयंत्र, 2G एथेनॉल संयंत्र है, उसके पास मंत्रालय देखो लिखा हो पर्यावरण मंत्रालय, किस मंत्रालय द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। तो दोस्तों पर्यावरण मंत्रालय ने क्या किया है यहां पे, कहां पे, अब ये भी देखो कहां पे, तो पर्यावरण मंत्रालय ने हरियाणा राज्य, हरियाणा के पानीपत में, हरियाणा के पानीपत में एक 2G एथेनॉल संयंत्र स्थापित करेगा। कितने करोड़ खर्चा कितना आएगा, सब इंपोर्टेंट है, 776 करोड़ का पर्यावरण मंत्रालय। और उसके बाद अच्छा ये बता दे कि कौन सी कंपनी, कोई कंपनी इसको स्थापित करेगी, उस कंपनी का नाम है IOCL, कंपनी कौन सी है IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा हरियाणा राज्य में एक 2G एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसका खर्चा 776 करोड़ आएगा और यह पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्थापित होगा। आपको क्या करना है, पर्यावरण मंत्रालय बताना है, आपको क्या बताना है, पर्यावरण मंत्रालय किस व्यक्ति के पास है, कौन से मंत्री जो है पर्यावरण मंत्रालय को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इन सभी क्वेश्चंस को ऐसे ही आपको पढ़ना है, सभी क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फेड कप खिताब किस देश ने जीता? तो दोस्तों फेड कप खिताब जो जीता है फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर, फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर, तो यहां पे हमने आंसर में तो लिखा फ्रांस, लेकिन धारा कौन यहां पे, विनर जो हुआ है, विनर रहा है फ्रांस और जो लूजर रहा है वो रहा ऑस्ट्रेलिया, लूजर कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया। अब देखो दोस्तों ये जो फेड कप हुआ है, मेजबानी जो हुई है ये ऑस्ट्रेलिया में ही खेली गई है। अब क्वेश्चन क्या था, ये फेड कप किस रिलेट, मतलब कि फेड कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी फेड कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये कहोगे हमारे टेनिस से संबंधित है, किससे संबंधित है, टेनिस, ये टेनिस से संबंधित है फेड कप, जिसमें क्या है ये विनर यानी फ्रांस रहा है और ये जो लूजर रहा वो ऑस्ट्रेलिया रहा और ऑस्ट्रेलिया में ही इसकी सीरीज हुई है, ठीक है ना दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुई? 9th ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुई? दोस्तों ये एक है ब्रिक्स, ये ब्रिक्स, ब्रिक्स की 9th व्यापार मंत्रियों की बैठक, 9th
व्यापार मंत्रियों की बैठक जो हुई है वो कहां आयोजित हुई? तो दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन में दिख रहा होगा ब्राजीलिया, यानी कि ब्राजील में, आंसर में लिखा हुआ आपका ब्राजीलिया, ब्राजील के ब्राजीलिया में इसको क्या किया गया, किया गया। अब देखो ब्रिक्स में ही एक 11th शेरपाओं की बैठक हुई थी, 11th शेरपाओं के अध्यक्षों की बैठक हुई थी, शेरपाओं की बैठक हुई थी दोस्तों, ये भी जो आयोजित की गई थी ये भी ब्राजील के ब्राजीलिया में भी आयोजित की गई, कहां पे? ब्राजील के ब्राजीलिया में। तो दोस्तों आपको ये सीरीज याद रखना कि 11th शेरपा की बैठक थी और 9th किसकी? व्यापार मंत्रियों की बैठक थी। क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ब्रिक्स के शेरपाओं की बैठक जो ब्राजीलिया में आयोजित की गई है वो किस नंबर की थी? तो दोस्तों इन सीरीज को याद रखना, वो 9th और 11th, 11th शेरपाओं की थी और 9th व्यापार मंत्रियों की, जिसको पीयूष गोयल ने होल्ड किया। इसको किसने होल्ड किया? पीयूष गोयल। इनके पास कौन सा मंत्रालय है? इनके पास कहोगे वाणिज्य एवं रेल मंत्रालय। वाणिज्य एवं रेल मंत्रालय कौन है? पीयूष गोयल साहब है। ये कहां से हैं? राज्यसभा सांसद हैं महाराष्ट्र से। ये कहां से हैं? राज्यसभा सांसद कहां से हैं? महाराष्ट्र। अच्छा ब्रिक्स आया, ब्रिक्स में आपको बताना, ब्रिक्स में जैसे आपको बता है कि रसिया भी, इंडिया भी, चाइना भी, साउथ अफ्रीका भी। अच्छा बी से ब्रिटेन है कि आपका ब्राजील है? ब्री से ब्रिटेन है कि ब्राजील, ये कमेंट बॉक्स पे आप जाकर बता देना। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य बना तो ये कब बना? ये सभी चीजों को आपको क्या करना है, अपनी तरफ से ये अपना एफर्ट डालो यार, अपनी तरफ से इसको क्या करो, अपनी न्यूज में लिंक करो, आपको रिवीजन हो जाएगा मल्टी टाइम, आपको क्या करता है रिवीजन वर्क होता रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टी एन अय्यर सेशन का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? टी एन सेशन अय्यर का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? तो दोस्तों ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो दोस्तों एक लाइन में ये ओबिचरी आपसे पूछ ली जाती है, तो याद रखना पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी एन अय्यर सेशन थे। अच्छा वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, तो भाई साहब ये सुनील अरोड़ा के पास चार्ज है, सुनील अरोड़ा के पास चार्ज है, और जो दो चुनाव आयुक्त हैं वो अशोक लवासा और सुशील चंद्रा हैं। अब दोस्तों चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए हम 25 जनवरी को हम क्या राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में, नेशनल वोटर्स डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इतनी बातें हो गई इस क्वेश्चन से, इसी तरह से आपको क्या करना, सभी चीजों को न्यूज में, न्यूज फॉर्म में पढ़ते रहना है। क्वेश्चन है विश्व के पहले, इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि यहां पे बात कर रहा है कि दुनिया का पहला, दुनिया का जब पहला या भारत का पहला कोई चीज आ जाती है तो वो इंपॉर्टेंट हमारे न्यूज में हो जाती है। क्यों? क्योंकि वही आपकी या तो पहले चलता है या तो रिसेंट में जो हो रहे होते उनकी बात होती है। तो दुनिया का पहला है तो कुछ अपने भारत में ही हुआ है, दुनिया का पहला काम अपने भारत में, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये होता है सीएनजी का फुल फॉर्म, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पोर्ट टर्मिनल के स्थापना की मंजूरी किस राज्य ने दे दी? तो दोस्तों ये आपकी जो स्थापना की जो मंजूरी दी है ये गुजरात में, कहां पे? गुजरात में भावनगर, गुजरात के भावनगर में होगा। अब देखो जरा क्वेश्चन, हमारे मतलब की चीजें मैं निकालूंगा, जो हमारे मतलब की चीज है यहां पे दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी कि दो ग्रुप की सहायता से इसकी क्या गई है, स्थापना की गई। वो दो ग्रुप कौन से इंपॉर्टेंट है? तो कहोगे एक अपने भारत का जो ग्रुप है जिसका नाम है पद्मनाभ, जिसका नाम क्या है? पद्मनाभ मफतलाल, पद्मनाभ मफतलाल ग्रुप। और जो आपके जो एक यूके, ये अपने इंडिया का ग्रुप है, ये अपने इंडिया का ग्रुप है, और एक जो यूके का ग्रुप है उसका नाम है फोरसाइट ग्रुप, उसका नाम क्या है? फोरसाइट ग्रुप, फोरसाइट ग्रुप। इसकी सहायता से ये यूके, यूनाइटेड किंगडम का क्या है, ग्रुप है। इन दो ग्रुप मिलकर के ये जो आपका सीएनजी पोर्ट टर्मिनल दुनिया का पहला जो स्थापित होने जा रहा है अपना भारत यानी गुजरात के भावनगर में, ये दोस्तों पहला होगा। ये दो ग्रुप मिल रहे हैं, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये दो ग्रुप। क्वेश्चन आएगा सीएनजी पोर्ट टर्मिनल में पद्मनाभ मफतलाल के साथ और कौन सा ग्रुप के सहयोग से जो दुनिया का पहला स्थापित किया जा रहा है, तो ये याद रखना फोरसाइट ग्रुप, जो कि कहां का है? यूके के सहयोग से। या कौन सा देश इस पे क्या कर रहा है, साझेदारी कर रहा है? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है दोस्त। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हैट्रिक, क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज कौन बने? तो दोस्तों अभी जानते हो शानदार मैच रहा बांग्लादेश के खिलाफ, तो शानदार मैच जो रहा उसमें दीपक चाहर ने क्या किया है,
आपको मालूम है 20 गेंदों में इन्होंने मात्र 7 रन देकर कितने विकेट लिए, मात्र 7 रन देकर आपको मालूम है 6 विकेट इन्होंने क्या किए, चटकाए। उसके बाद आपको एक चीज, ये तो चलो सबको मालूम हो गई, आप सबको मालूम है। दूसरी चीज, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा, क्या कहोगे किसका रिकॉर्ड तोड़ा। तो दोस्तों आपको बता दूं, इन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ा अजंता मेंडिस का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि कहां के खिलाड़ी थे, श्रीलंका के खिलाड़ी थे। और इन्होंने भी क्या किया था दोस्तों, 20 गेंदों में ही इन्होंने 20 गेंदों में 8 रन देकर कितने विकेट चटकाए थे, 6 विकेट चटकाए थे, ठीक है ना। तो ये रिकॉर्ड अब दीपक चार के पास है, इन्होंने 7 रन देकर 6 विकेट चटकाए हैं, ये भी आपका रिकॉर्ड, ये आपको मालूम है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37th एथेंस मैराथन किसने जीता, 37th एथेंस मैराथन किसने जीता। तो दोस्तों यहां पे इंपॉर्टेंट देखो क्या है, एडिशन इंपॉर्टेंट क्या है, 37th एथेंस मैराथन, एथेंस आपका मैराथन जो हुआ है, एथेंस मैराथन ये जो रहा है एथेंस ग्रीस में हुआ। अब देखो यहां पे जो जीता हुआ, एक जीता हुआ मेंस का और एक जीता है वुमेन का। तो वुमेन का हम आपको बताएंगे, क्योंकि मेन का आपको एग्जाम मतलब कि आंसर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जान किप कोरीर, जान किप कोरीर ये एथेंस का जीता है, मतलब ये कहां के, केन्या के रहने वाले, इन्होंने मेंस का जीता हुआ है। अब जो वुमेन का जीता उनका नाम लिख लो, एलेक्थोरिया पेट्रोवाकी, एलेक्थोरिया पेट्रोलाकी, ये दोस्तों जीता हुआ है। कहां की है ये ग्रीस, ये ग्रीस की रहने वाली है। इन्होंने 37th मेंस का जो जीता हुआ है, सॉरी वुमेन्स का जो जीता हुआ, ये एलेक्थोरिया पेट्रोलाकी, और जान किपकोरीर ने जो जीता हुआ है ये आपका मेंस का जीता है, ठीक है ना, 37th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27th केंद्र एवं राज्य सांख्यिकी संगठन यानी CSO के 27th केंद्र एवं राज्य सांख्यिकी संगठन का सम्मेलन कहाँ हुआ। तो दोस्तों आपको पता है इसका हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में है, लेकिन जो इसका संगठन हुआ है ये पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में हुआ, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में आयोजन हुआ। किस नंबर का हुआ है, तो दोस्तों आपको मालूम है 27th, ये भी इंपॉर्टेंट है, 27th हुआ है। अब देखो ये कहो कि CSO सेंट्रल स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था यानी स्टैब्लिश कब हुआ था ये आपको बताना। अच्छा एक चीज जरा ध्यान देना, न्यूज से हम थोड़ा सा आपको लिंक कर रहा हूं, जो CSO है, CSO क्या करता है, CSO काम क्या होता है, आपको मालूम है ना हमारे भारत की GDP ग्रोथ, जो बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनी जो एजेंसीज हैं वो आपको क्या करती हैं, हर देशों की जो GDP ग्रोथ होती है उसको बताती हैं, यानी कि फोरकास्ट करती हैं, पहले से अनुमानित करती हैं। तो दोस्तों क्या होती है कि ये जो एजेंसी जो फोरकास्ट करती है GDP को, इस GDP को ये फिक्स नहीं होती हैं, ये आपकी क्या करती हैं एजेंसी घटाती बढ़ाती रहती हैं जैसे आपकी भारत की इकोनॉमी बताती है। लेकिन दोस्तों होता क्या, जब फाइनल जो हमारे आती है मार्च में, मार्च का मंथ आता है, तो हमारी एक यही CSO, यही CSO क्या करती है, हमारी GDP को फिक्स कर देती है कि भारत की इस वर्ष की फाइनेंशियल ईयर, इस वर्ष की GDP ये रही। अब दोस्तों आपको मालूम है कि हमारी जो GDP ग्रोथ है वो आपकी 2000 फाइनेंशियल ईयर ना 2019-20 की चल रही है, बताई जा रही है बहुत सारी एजेंसीज के द्वारा, UNO ने बताया, फिक्की ने बताया, मूडीज ने बताया, NDB ने बताया, आपको RBI ने बताया, ADB ने, IMF ने, ये सभी चीजों ने, वर्ल्ड बैंक ने, सभी इन लोगों ने बता दिया है। अब देखो होता क्या है, 2018-19 ये फाइनेंशियल ईयर निकल चुका है और 2019-20 ये आपका आने वाला है। तो 2018-19 में CSO के द्वारा जो बताई गई है GDP किसकी, 2018-19 की 6.8% कितनी रही भारत की GDP, 6.8%। अब ये जो बताएगी वो मार्च मंथ में फाइनल जो होगी डिसीजन होगा किसका माना जाएगा, CSO का माना जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, CSO जो GDP कैसे बताती वो सारी चीजें आपको मालूम है, फाइनल जो देगी वो CSO ही देगी। 23 का पुरुष हॉकी, अब हमारे पास जो देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है 2022 का महिला हॉकी विश्व कप, 2020 का अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप और 2020 का T20 पुरुष विश्व कप, T20 महिला विश्व कप, ये होगा कहाँ पे, ये
आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। दोस्तों हम आपको सब चीजें बता दें तो आप ही तो बेहतर क्या होगा, तो बेहतर ये होगा कि हम आपको क्वेश्चन फॉर्म में बताएं कि ये क्वेश्चन आपको बताना है, तो वो काम आप करो जाकर के अपने नोट्स पे अपने बैठ करके, चाहे वो गूगल बाबा का सहयोग करो, चाहे वो आप अपने याद है तो फिर भी उसको क्या करो टाइप करके मैसेज करो, लिखोगे करोगे तो आपकी वो तैयारी क्या होगी बेहतर होगी, उससे हमें फायदा नहीं। हम तो आपको धक्का दे रहे हैं कि आप दोस्त क्या चलो इस रास्ते पे चलो, लेकिन करो चलना किसको है, आप ही को चलना पड़ेगा तभी आपको मंजिल मिलेगी। मंजिल हम नहीं पाएंगे, हमारे सहयोग से हो सकता है आपको मंजिल प्राप्त हो। मैं आपको वो सारी चीजें आपके सारे एफर्ट बता दूंगा, ऐसे डालो ठीक है ना दोस्तों। तो ये होमवर्क पे आपको याद रखना। उसके उपरांत देखो हमारे सेशन पे चल रहे होंगे, कुछ हमने आपको अपॉइंटमेंट में पद दे रखे हैं कि इनका बताना ये पद वर्तमान में किसके पास है, होमवर्क पे आपको ये जाकर के बताना है। तो दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो